सत्ता पक्ष में चल रही गुटबाजी से प्रदेश के कांग्रेसी नेता राजी हैं। उन्हें घर बैठे भाजपा पर हमला करने का मौका मिल रहा है। हालांकि भाजपा किसी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रही है, मगर कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली, राव इंद्रजीत विरोधियों की डिनर व लंच डिप्लोमेसी व बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के उस बयान को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने बिजली बिल ना भरने वाले लोगों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से वंचित करने की बात कही थी। सूत्रों की माने तो पार्टी में ही मनोहर को कमजोर करने के लिए कुछ नेता सक्रिय हैं। इसी कारण बार बार सत्ता पक्ष को असहज करने वाली बातें बाहर आ रही हैं। बाहर आ रही अनिल विज के कार्यालय की कुछ गतिविधियां आम लोगों की नज़र में बेशक उन्हें धाकड़ नेता बना रही हैं, परंतु इससे प्रदेश के मुखिया की शक्ति कम हो रही है। विपक्ष को यही कार्यप्रणाली अब रास आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह के दूर विरोधी पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह व विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव की डिनर व लंच डिप्लोमेसी पर भी अब कांग्रेस तंज कस रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आए दिन कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कस कर मजाक उड़ाते रहने वाली भाजपा की अब हालत यह है कि भाजपा की गुटबाजी जूतों में दाल की तरह बंट रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भाजपा में सत्ता व वर्चस्व के लिए मारामारी मची है। पार्टी विद डिफरेंस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। प्रदेश में सत्ता के तीन केंद्र बन चुके हैं, जिससे पूरा प्रशासन प्रभावित है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।